दोस्तों, बीमारी से बचने का सरल उपाय आप लोग क्यों नहीं अपनाते हैं? अगर अपनाना है और बीमारी से बचना है तो चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर एक, बायां अंग में लकवा क्यों मारता है और फलेरिया क्यों होता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है ठंडा सामान ज़्यादा खाने से और जर्सी गाय का दूध जो है जंगली, उससे फलेरिया की बीमारी होती है और उससे लकवा भी मारता है, इसीलिए जर्सी गाय का दूध बिल्कुल नहीं खाना चाहिए दोस्तों। सवाल नंबर दो, घी किस महीने में खाने से नुकसान नहीं करता है शरीर में? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है ठंडा के मौसम में खाने से घी नुकसान कभी नहीं करता है। दोस्तों, जो लोग गर्मी के मौसम में खाते हैं घी, उनको ही नुकसान करता है, इसीलिए आप लोग ठंडी में ही खाएं। सवाल नंबर तीन, हड्डियों की गांठ की दर्द कैसे ठीक होता है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। दोस्तों, इसका सही आंसर है भैंस के दूध में हल्दी डालकर औंट दें, उसके बाद में पिलाएं रोगी को रात के समय में। दोस्तों, हड्डियों की जो गांठ गांठ की दर्द है वो हमेशा के लिए मिट जाएगी और स्वस्थ शरीर हो जाएगा 2 से 4 दिन में। दोस्तों, ऐसे कीजिएगा तो आपकी जड़ से मिट जाएगी दर्द। सवाल नंबर चार, धूप में ज़्यादा देर तक काम करने से कौन बीमारी शरीर में उत्पन्न होती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ज़्यादा देर तक धूप में काम करने से सर्दी जुकाम बुखार की बीमारी तुरंत हो जाती है, इसीलिए ज़्यादा देर तक धूप में बिल्कुल नहीं काम करना चाहिए, ठंडा में जरूर करें। सवाल नंबर पाँच, गर्मी के मौसम में खिचड़ी कितना दिन पर खाना चाहिए? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है हो सके तो रोज खाना चाहिए खिचड़ी, नहीं तो 2-3 दिन पर जरूर खिचड़ी रोज खाना चाहिए, क्योंकि खिचड़ी खाने से लीवर जो है वो लोहा बन जाता है और कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती है, तो पैसा जो है वो बीमारी में खर्च नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग से हाथ जोड़ कर कहूँगा कि खिचड़ी जरूर खाइए और खूब खाइए, इससे स्वस्थ शरीर रहता है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें।